नमस्कार। तो आज मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसी प्लेयर से जिन्होंने हाल ही में हैट्रिक मारी यूरोप में, और वो बनी है पहली इंडियन फुटबॉलर जिन्होंने यूरोप के किसी भी टॉप डिवीजन में हैट्रिक मारी है। तो मैं बात कर रहा हूँ ज्योति चौहान की, जिनको आज की डेट में सारे इंडियन फुटबॉल फैंस बखूबी जानते हैं। तो हम जानेंगे इनके सफर को कि कैसे एक छोटे से गांव से निकल के वो क्रोएशिया तक पहुंची और इंडिया का नाम रोशन किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं ज्योति चौहान से। ओके, तो कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मतलब मेरी आवाज़ नहीं सबकी आवाज़ है, कि वी आर प्राउड ऑफ यू जो आपने कर रहा है। और एमपी के हम भी थैंक है, यू। तो और ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मतलब एमपी से आज तक किसी फुटबॉलर ने इतना बड़ा कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जब आपने ऐसा कुछ किया तो इतना ज़्यादा प्राउड हो रहा है ना कि मतलब बता नहीं सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो अब आपके सफर की बातें तो हम बहुत सारी करेंगे, तो हम स्टार्ट से बात करते कि कैसा मतलब कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे फुटबॉल, क्योंकि मध्य प्रदेश में फुटबॉल की बात जब होती है तो कुछ है नहीं, लेकिन आप इतना बड़ा अचीवमेंट जी, लिया है तो कैसे स्टार्ट किया था आपने? मैं जैसे एमपी तो बहुत बड़ा है, और मैं एमपी के छोटे से गांव सरदारपुर से हूँ, जो कि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कि सरदारपुर है कहाँ। और मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ है। पहले तो मेरी लाइफ में मतलब बहुत सारे कैसे बताऊँ मैं आपसे, काफी कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैंने सेफ किया है, और फिर मैं आज इस लेवल पर पहुंची हूँ। तो मैंने पढ़ा भी था कि आप लड़कों के साथ भी खेला करती थी, जी हाँ, मैं एक तो सरदार के छोटे से गांव से हूँ, जहाँ पर फुटबॉल का कोई नाम नहीं था। गर्ल्स में, बॉयज तो बहुत सारे थे, बट गर्ल्स में कोई नाम नहीं था। तो ऐसे ही जहाँ पर मैं रहती हूँ, मेरे घर के जस्ट पीछे फुटबॉल ग्राउंड है। तो शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे घर के पीछे एक ग्राउंड होना, तो आज उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और मैंने पहले तो ऐसा 4th 5th क्लास में मैंने नॉर्मली फुटबॉल स्टार्ट किया था, जो कि ऐसा बच्चे करते हैं आजकल के, कि हम लोगों से जैसे फुटबॉल खेलना है। पर मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, और जब मेरे कोच शैलेंद्र पासवान ने जब मुझसे पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो फुटबॉल खेलने में, आप फुटबॉल खेलना चाहोगी, तो मैंने यस किया था। क्योंकि मैंने देखा कि सिर्फ सरदारपुर में फुटबॉल ही है, और अदरवाइज ऐसा कोई गेम भी नहीं है, तो शायद इसमें कुछ तो होगा, तभी ये लोग खेल रहे हैं। तो मैंने यस बोला। फिर सर ने बोला ठीक है, आप इस टाइम पर प्रैक्टिस कराओ। और जब मैं प्रैक्टिस जाने लगी, तो फिर मैं सोचती थी एक मैं ही लड़की हूँ, कोई तो लड़की है नहीं। और तो सर ने बोला अगर आप टीम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो हम लोग ऐसे 5 बहन हैं, जिसमें से अभी 2 का शादी हो गई, और अभी हम टीम हैं। तो मैंने मेरी पहले तो बहन से पूछा कि तुम लोग चलो मेरे साथ फुटबॉल खेलने के लिए। तो पापा ने ऐसा मतलब अलाउ नहीं था फुटबॉल खेलना, तो पापा ने बोला कि नहीं, उधर ऐसा कोई लड़के वड़के नहीं आते, सिर्फ लड़के खेलते हैं, लड़कियां नहीं है, तो तुम जाके क्या करोगी। तो पापा मेरी बात बहुत मानते थे, तो मैंने बोला पापा प्लीज मुझे जाने दो, अच्छा है घर के पीछे तो है, आप जब आवाज मारोगे हम घर आ जाएंगे। मैंने उनको ऐसा समझाया, उन्होंने यस भी किया कि हाँ चलो ठीक है, पर टाइम से जाओ, टाइम पे आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने मेरी बहन को बोला, फिर वो लोग आए, फिर उसके बाद में मेरे आसपास की जो मेरी दोस्त लोग थे मैंने उनको बोला, फिर मैं जहाँ स्कूल में जाती थी स्कूल की लड़कियों को बोला, तो सब लोग ऐसा इंटरेस्टेड होने लगी कि हाँ चलो। मैंने बोला बहुत ऐसा पहले से इतना समझ नहीं था, तो बोलते थे कि घूमना भी मिलेगा और अच्छा भी रहेगा, तो तुम लोग आओ। तो वो लोग आने लगी, तो मेरे ऐसा लगा कि मैंने धीरे धीरे टीम बनाया, काफी अच्छा लगा मुझे। तो एक कोई टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं ना, फिर यहाँ से आपका चेंज मिला आपको एक, तो वो कहाँ से हुआ था? मैं 5th क्लास में जब मैं ऐसा बॉल के साथ में जब रनिंग करती थी, तो मेरा एक मेरे कोच के भी गुरु थे, तो वो मुझे बोला था कि ये लड़की कुछ कर सकती है, तो तुम इसी फोकस करो। और जब उन्होंने मेरे ऊपर ही ध्यान दिया, और जब वो मुझे बहुत दौड़ाने लगे और ऐसा बोल के साथ में, तो मुझे पहले चिढ़ भी आती थी कि पहले मैं अपनी पसंद का करती थी, अब सर को जो सर जो बोल रहा है मुझे वो करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है ऐसा, फुटबॉल अब सर कुछ ज्यादा ही दौड़ाते हैं। तो जब सर ने बोला कि बेटा मेरे को भरोसा है तुम कुछ कर सकते हो, इसीलिए सब कर रहा हूँ, मैं बोला सर सबको बुलाओ, अब सब सबको साथ में प्रैक्टिस करेंगे। और जब मैंने फर्स्ट जब मेरा स्टेट हुआ था स्कूल में SGFI के, तब मेरे को सतना जाना था, और तब मुझे लगा कि हाँ अभी ठीक है, पर
तब से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो जब मैं फर्स्ट 6 क्लास में आकर के डाइव स्टेट गई थी, और स्टेट में मैंने मतलब अंडर 14 में मैंने स्कोर भी किया, मैं टॉप स्कोरर बनी तब अंडर 14 में। तब मेरा सोशल मीडिया पे सब न्यूज में आया, फिर मैंने पापा को दिखाया, तो तब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ अभी स्टार्ट हुआ है, और अभी तो अभी स्टार्ट हुआ है, अब और कुछ करना है लाइफ में। तो मतलब जैसे आपने 5th 6th से स्टार्ट किया था, तो वो तभी से सोच लिया था कि फुटबॉलर ही बनना है, या बाद में आया था ऐसा विचार? हाँ नहीं, जब 5th क्लास में जब मुझे बाहर जाना मिला, और जब मैं बाहर से जब मेरा ऐसा पेपर में नाम आया है, सब लोग मुझे बोला कि बहुत गर्व हो रहा है, तब मुझे लगा कि नहीं अभी सिर्फ फुटबॉल पे ही ध्यान देना है, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ पढ़ाई भी साइड में कर दिया था कुछ टाइम के लिए, तो अभी नहीं खेलना है मुझे, सिर्फ फुटबॉल खेलना है ऐसा करके। हाँ तो फिर आपके मतलब उस टाइम पे फिर आप पढ़ाई वगैरह कैसे मैनेज करते थे? स्कूल के टाइम मॉर्निंग से 8 to 12 का था, और शाम को प्रैक्टिस टाइम 4:30 से स्टार्ट होता था, तो मैं इजीली अपना मैं स्कूल भी कर लेती और फिर साथ में फुटबॉल भी चले जाती थी। तो मतलब आप स्टूडेंट कैसी थी, एवरेज या अच्छी या कैसी? नॉर्मल मतलब 60-70% फुटबॉल खेलने के बाद, जी हाँ, क्योंकि पहले जब मैं फुटबॉल ऐसा खेलने लगी तो स्कूल में भी थोड़ा ऐसा इज्जत होने लग गया था कि हाँ ये तो चलो पढ़ाई करे या ना करे, अपना स्कूल से फुटबॉल में नाम रोशन कर रही है, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे स्कूल के टीचर का सबका सपोर्ट भी मिलता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले किसी का सपोर्ट नहीं था कि स्कूल जाओ, स्कूल में अपना 100% देना पड़ता था, पर जब स्टेट खेला नेशनल खेला तो स्कूल का नाम हुआ, तो स्कूल के भी सारे स्टाफ मुझे सपोर्ट करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आपको पहला क्लब कब मिला था? मैंने फर्स्ट क्लब 2016-17 में मुंबई कैंकरे में खेला था, वो मेरी लाइफ का सबसे पहला क्लब था। इतना मुझे पता नहीं था कि क्लब भी होते, लीग खेलने के लिए भी मिलता है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से थी, और मुझे सिर्फ इतना पता था कि नेशनल जाती है टीम और नेशनल से वापस घर, बस इतना ही था, आगे का कुछ मुझे पता नहीं था। जब पर स्कूल गेम्स में जब मेरा एक मैच देखा था महाराष्ट्र टीम की कोच ने, सिर्फ मुझे उन्होंने इनवाइट किया था कि आप क्लब से खेलो, तो तभी मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्लब से खेलना मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। मुझे बोला कि आप जा सकते हो, आप ट्राई करो, फिर मैंने कोच से रिक्वेस्ट किया, तो कोच ने बोला अगर आपकी मर्जी है तो आप जा सकते हो। और फर्स्ट क्लब जब मैंने कैंपरी खेला था उनका, फिर जैसे कि हमने देखा पिछले साल आपकी ट्रायल्स हुई थी जो क्रोएशिया के लिए, हाँ तो वो ट्रायल्स मतलब आप उसमें आपको आपने पार्टिसिपेट कैसे किया था उस ट्रायल्स में? मैंने कैंकरेज के बाद में जब मैं गोकुलम में गई, गोकुलम लीग में मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, मैं वहाँ की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है मुझे लीग में, और IWL में भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, और उसी के कारण मुझे एक मैम ने कांटेक्ट किया था कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो फॉरेन के 5 कंट्री के कोचेस आ रहे हैं, अगर आप आ सकते हो, आपको ट्रायल देना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर में फैमिली से बात करके मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। बोले हाँ बात करो और आप आ जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि 5 कंट्री आ रही है, बहुत कॉम्पिटिशन भी होगा, क्योंकि मैं तो ऐसे भी इतना कुछ मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या मतलब अपना 100% देना है। फिर मैंने एक ही चीज सोचा कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और ये भी नहीं पता था कि कितने प्लेयर वहां पर है और कौन कौन आ रहा है। तो मैंने मेरे दोस्तों से भी कांटेक्ट किया, तो वो लोग भी सब बोल रहे थे कि हाँ हमारे पास भी कॉल आया है। तो मैंने सोचा कॉम्पिटिशन तो बहुत है, बट अपना बेस्ट देना पड़ेगा मुझे, 100% नहीं, 200% दिया फिर मैंने अपना। और फिर हमने फिर न्यूज़ देखी और हम खुश हो गए। और मैं हाँ, और सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था जब मेरा सिलेक्शन हुआ क्रोएशिया के लिए। अच्छा, आपको कितना मतलब खुद पे था कि मेरा हो जाएगा? पहले फर्स्ट डे जब ट्रायल हुआ तो सबसे कोच लोगों से मिलके अच्छा लगा, वो लोगों ने अच्छे से बात किया, फिर मुझे लगा कि शायद कोच लोग भी इतने मतलब ऐसे दिख रहे हैं ना कि बहुत सारे अलग अलग कंट्री से आए, और फिर प्लेयर्स को भी देखा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपना 100% दूंगी तो शायद हो सकता है, क्योंकि मैं अपने आप को जब भी ऐसा फील्ड में जब भी पैर रखती हूँ तो मैं अपने आप को सिर्फ यही बोलती हूँ आई एम द बेस्ट, और मैं अपना 100 नहीं 200% देने की कोशिश करती हूँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जैसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपका जो पढ़ा है जो आर्टिकल वगैरह, उसमें आपकी मम्मी आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रही हमेशा। तो हाँ जब आपने खबर दी कि अब तो मैं जा रही हूँ क्रोएशिया, तो वो कितना कितना खुश हुई आपकी मम्मी? मम्मी को तो जैसे मैंने बोला कि मैं एक दूसरे का अपने इंडिया को छोड़ के एक दूसरे कंट्री में जाके मम्मी मैं वहां खेली, जब मेरा वहां के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो वो पता नहीं वो खुशी के आंसू थे या उन्होंने क्या सोचा, तो वो रोने लग गए। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मम्मी क्यों रो रहे। फिर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो बोले कि तू तो इतना दूर मुझे छोड़ के जा रही है, मेरा ध्यान कौन रखेगा। मैंने बोला बहन है, सब लोग है, मैं जाऊंगी, मैं खेलूंगी, अभी आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करी है, तो अब मेरा भी हक बनता है कि मैं वहां जाके अपना 100% दूँ और एमपी का ही नहीं अपने इंडिया का और सबका नाम करूँ मैं। फिर मम्मी को यही थोड़ा सा ऐसा सैड हो गई थी कि काश अगर तेरे पापा होते तो आज वो तेरे लिए कितना प्राउड फील करते। मैंने बोला वो है मेरे साथ, वो साथ में नहीं है, बट वो ऊपर से तो देख रहे ना मुझे कि आज मेरी लड़की किस लेवल तक पहुंच गई है। तो आपकी मम्मी ने आपको खेलते हुए देखा है? ऐसा IWL वगैरह में मैचेस देखने बुलाया था आपने कभी? हाँ जैसे आसपास में कहीं पे अपने एमपी में या इधर होते हैं तो वो आते हैं, पर मैं एक दो बार उनके सामने मुझे इंजरी हो गया था तो वो बहुत डर जाती है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी बुलाने के लिए मन नहीं करता। मैं उनको लिंक शेयर कर देती हूँ, वो फोन में देखती है। ये भी सही है। और क्रोएशिया मतलब कैसी कंट्री लगी फिर आपको, आप गए तो? बहुत अच्छी यहाँ का मतलब कंट्री, बहुत अच्छा है यहाँ का। जैसे कि होता है ना कि एक सेफ महसूस करना, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी यहाँ अकेले हैं तो लोग कैसे होंगे, यहाँ का कल्चर कैसा होगा, पर बहुत सेफ फील होता है। हम लोग 9:30 पे ऐसा प्रैक्टिस करके जाते तो ऐसा लगता नहीं कि रात का 9:30 हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा लगता है कि हाँ अभी हम ऐसा इंडिया में ही है, कि बहुत सेफ फील होता है यहाँ के लोगों से मिल करके बात करके, सब लोग अच्छे से ट्रीट करते, तो प्लेयर्स भी अच्छे सपोर्ट करते हैं। और आप क्या चीज मिस कर रहे हो क्रोएशिया में इंडिया की? खाना वहां पे बिल्कुल नहीं मिलता खाना, मतलब अपना इंडिया वाला। इंडिया वाला खाना नहीं मिलता है, क्योंकि यूरोप में और यहाँ पे इसी पे सब ब्रेड और ये सब मिलता है, तो मैं खाना बहुत मिस कर रही हूँ। आप इंडिया में जब थे तो हाँ आपका डाइट कुछ और रहा होगा, तभी क्रोएशिया में आप कैसे मेंटेन करते हो? अभी तो जैसे यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है ऐसा डाइट मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ का जो खाना है इतना वो भी नहीं है कि हम लोग जैसे इंडिया का खाना और यहाँ के खाने में बहुत डिफरेंट है, तो डाइट का तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, बस ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हैं और जो यहाँ पर अच्छा जो खाना मिलता है जैसे कि फ्रूट्स हुआ और मिल्क ब्रेड और अंडे, बस ये खा के मतलब डाइट को मेंटेन किया हुआ है। और एक एक कंपैरिजन में आपसे पूछना चाहूंगा कि IWL और जो आप क्रोएशिया में लीग खेल रहे हो, इसमें कितना डिफरेंस आपको लगा? अगर देखा जाए तो डिफरेंस तो है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी लड़कियों का हाइट उनका बेनिफिट है, क्योंकि अपने इंडिया में इतना अच्छा मतलब गर्ल्स का हाइट नहीं है, तो यहाँ पर हाइट और उनका पर्सनैलिटी काफी अच्छा है, और सभी प्लेयर्स का मतलब अगेंस्ट टीम का भी हाइट, उनका गेम भी, तो कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं है। मतलब इंडिया इंडिया और अपने यूरोप में ऐसा 90-20% बोल सकते हैं। वेदर का कितना आपको फर्क लगता है कि वहां पे बहुत ठंडा है, यहाँ पे बहुत गर्म है, तो परफॉर्मेंस पे कितना फर्क इस चीज का लगा आपको? फर्स्ट टाइम जैसे अभी तो नॉर्मल हो गया, इतना ठंडी भी नहीं है और इतना वो भी नहीं है, पर अभी थोड़ा गर्म है, पर जब अभी समर में तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा ठंडी की बात करो तो यहाँ पर अपने यहाँ पे स्नो भी नहीं है, यहाँ पर स्नो रेन और बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट हो रहा था प्रैक्टिस करने में, इतना सब कुछ पहनने के बाद में भी ठंडी लग रहा था, तो जो ठंडी में जो वर्कआउट किया शायद आज भी उसी का इधर फल है, क्योंकि अपन ठंडी में कितना भी वर्कआउट कर लो पता नहीं चलता है, तो पूरा बॉडी गर्म करने के लिए अपन और ज्यादा हार्ड वर्क करने का सोचते हैं कि अभी थोड़ा और रनिंग करेंगे तो ठंडी कम लगेगा, तो इधर ठंडी में बहुत प्रैक्टिस किया है। अच्छा, और आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने टाइम का है बहुत अभी डिफ क्रोएशिया में?
अभी मेरा BA फोर्थ को फाइनल है, उसके बाद में हम लोगों को इंडिया आना है, सीजन खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद एक्सटेंड होगा या नहीं होगा? हाँ बात चल रही है, क्योंकि अभी हम चाहते कंफर्म हैं कि नहीं है, आप बट उधर उधर ही खेलो। देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और मैं एक और चीज, आपने 2 बार इंडिया कैंप लगाया है, तो आपको क्या जी लगता है हाँ कि अभी जैसे आप गए क्रोएशिया, अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस और हो गया, तो क्या आप लगता है कि आप इंडिया टीम का रास्ता खुल रहा है? हाँ आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, शायद अगर अभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ चीज की कमी है, तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर होने के लिए कोशिश करूंगी, तो ताकि मैं इंडिया आने के बाद में जब मुझे अभी चांस मिले तो मैं अपना 100-200% देके सेट होना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे और लगता है कि हाँ अभी मैंने काफी कुछ चीजों में इम्प्रूवमेंट किया है, और काफी कुछ चीजें जो मेरे अंदर ऐसा मेरा वीक पॉइंट था मैंने उसको डेवलप किया है, तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं अपना इंडिया में जाके इंडिया टीम के लिए हैट्रिक मारूं, मेरा ड्रीम। वैसे आपकी हैट्रिक हमने देखी, लास्ट गोल तो आपने बहुत खतरनाक मारा था। पूरे यूरोप में सब लोग यही बोल रहे थे कि मतलब कोई बिलीव नहीं कर रहा है, ये मतलब बॉयज टीम के लिए भी बहुत बड़ी बात है, बॉयज टीम भी नहीं कर सकता है जो कि मेरा थर्ड गोल था। क्योंकि वो बहुत, वो मैं सोचा था, क्योंकि आप जब बॉल लेके गए, मैं सोचा भाई कैसे मारेगी, देखा तो आपने तो वहीं से मार दिया। जी चलिए, बहुत सही लगा वैसे, हमने जो भी जितना भी देखा, क्योंकि हमको लाइव मैचेस तो देखने को नहीं मिल पाते, तो हाईलाइट देख के मजे ले लेते हम तो। हाँ और अभी मैंने एक जी और चीज देखी कि आपको MP फुटबॉल का एम्बेसडर बनाया है, जी हाँ तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या बोलूँ, क्योंकि ये मेरे लिए शायद बहुत बड़ी बात है कि मैंने आज इतनी छोटी सी उम्र में मेरे को इतना बड़ा लेवल जो मिला है एमपी के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ उससे, और मैं थैंक यू अपने अपने सेक्रेटरी को बोलूंगी, SS को बोलूंगी कि जिसने मुझे ये लेवल दिया, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो लेवल मुझे मिला है MP में और अदरवाइज क्रोएशिया में, तो मैं अपना ये लेवल को अभी हटाना नहीं चाहूंगी, और अपना 100% दूंगी, और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी, और अपना MP का और इंडिया का नाम करूंगी। और मैं एक आपका, मतलब एक पर्सनली आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो गोकुलम केरला है क्लब, तो हमने देखा है कि वो जी कंटिन्यूअसली IWL जीते ही जा रहा है, उसको कोई हरा ही नहीं रहा है, तो जी हाँ आप मतलब वहां पे क्या ऐसी चीज क्या फॉलो हो रही है कि जिसके कारण उसको कोई हरा ही नहीं पाता, ऐसा क्या आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? देखो सब मैंने अभी तक तो जैसे मैं भी खुद देख रही हूँ कि कंटिन्यू 2-3 साल से चैंपियन है, मतलब गोकुलम ने भी हैट्रिक मार लिया है चैंपियन होने का गर्ल्स टीम में, तो सबसे बड़ी बात उनके यहाँ पर प्लेयर और जो कोच का जो ट्रेनिंग करने का तरीका रहता है, और एंथनी एंड उसके साथ में मैंने भी प्रैक्टिस किया है, उनके साथ मैंने भी IWL खेला है, तो काफी अच्छे कोच है वो, उनका ट्रेन करने का जो तरीका है शायद डिफरेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो मेन मेन टीम को भी ट्रेन किया जो उनको ऑफर मिला था गोकुलम के, तो वो अपना हर मैच में गर्ल्स को एक ही चीज बोलता है कि सब अपना 100% दो, और उनका जो ट्रेनिंग करने का तरीका है वो काफी अच्छा है, मोटिवेशन और सब कुछ, तो शायद इसी से रिजल्ट मिल रहा है, और प्लेयर्स चलिए, भी काफी अच्छे, जैसे नेपाल की जो प्लेयर है अपने हाँ सरित्रा भंडारी, वो हाँ काफी अच्छी प्लेयर है, स्ट्राइकर में तो अभी मतलब अपने इंडिया में आके वही फेमस है, तो हाँ और आपका भी लास्ट काफी मैच अच्छा बचा है ना? लगता है, क्योंकि जी हाँ मेरा लास्ट मैच है भी संडे को फाइनल क्रोएशिया कप का। तो जैसे, तो अभी अभी जिस जिसमें आपने हैट्रिक मारी, वो क्रोएशिया लीग का मैच था। हाँ और अभी जैसे अभी पिछले संडे पे जो मैच हुआ था सेमीफाइनल, उसमें 2-1 से स्कोर था, तो उसमें 1 गोल मेरा था और 1 यहाँ की एक लड़की का था। अच्छा, उसके बारे में तो हमको बताया नहीं किसी ने। हाँ अभी आया था वो जो क्लब ने डाला था एक, पता नहीं।
सोशल अच्छा, मीडिया और में बस एक स्टोरी डाल जाता है, चीजें पता चल जाती है। नहीं, अभी तो आपके सब स्टोरी भी डाल रहे, सब कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा है ना। क्योंकि है ना, जैसे कि हम मेंस में कैसे चाहते हैं कि बाहर जाए हमारे प्लेयर्स, कम से कम वुमेन्स में जा रहे वही अच्छा लग रहा है फिर। और हाँ एक एक मैं एक लास्ट, अब और ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपका, एक लास्ट चीज आपसे, ये आपका मैसेज मैं चाहूंगा कि एमपी की कहें या अदर इंडिया की कहें, जो यंग गर्ल्स है वो कही है ना कि स्ट्रगल में रह जाती है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, समाज सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसी गर्ल्स जो ऊपर आना चाहती है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशनल? मैं एक ही चीज बोलूंगी, अगर आपका अगर फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी आप प्रैक्टिस करो, और अगर अदरवाइज आपका फैमिली के रिलेटिव या जैसे आप आसपास में कोई भी अगर आपको नहीं सपोर्ट कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना हार्ड वर्क करो, आप मेहनत करो, और आगे चल के जब भी आपका ऐसा कुछ नाम आएगा या जब आपको आगे खेलने के लिए मौका मिलेगा तो वो खुद शर्म से पीछे हट जाएंगे, फिर वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको, आके फिर यही बोलेंगे कि बेटा तूने हमारा नाम कर दिया, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। आसपास के लोग मुझे बहुत मना किया कि क्या करेगी लड़की है, शादी हो जाएगा, कुछ फैमिली में से भी पापा नहीं है तो इसको इनको खिला के क्या ही करोगे, पर मैंने और मेरी मम्मी ने ऐसा हार नहीं मानी और मैंने अपना 100% दिया। तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज गिव अप मत करो लाइफ में, आपको जो भी चीज से खुशी मिल रहा है जब फुटबॉल अदरवाइज और कोई सा गेम, तो आप उस पर पूरा 100% दो, आप उस पर मेहनत करते रहो, उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अपने आप पूरा इंडिया में सामने आएगा। पर अभी तो फुटबॉल अपना एमपी में इंडिया में इम्प्रूव हो रहा है, तो आई होप आगे चल के बहुत ऑप्शन मिलेंगे खेलने के लिए। और अभी अभी आपको बहुत सारी लड़कियां एज एन आइडल भी देख रही है कि वी वांट टू प्ले लाइक ज्योति। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीजें हमको बताई, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, और आई होप कि बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होंगे, बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, यही मेरी एक होप है इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और आप ज्योति के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल का सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।